रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज को गुजरात में इनॉग्रेट किया है। चलिए जानते हैं डिटेल में इस अनोखे ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था। गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर बना ये ब्रिज गुजरात के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ओखा टाउन को लगभग 3 किलोमीटर दूर बेट द्वारका आइलैंड से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 4.7 किलोमीटर, जिसमें से 900 मीटर का सेक्शन केबल स्टेट सेक्शन है। ये एक 4-लेन ब्रिज है और इसे कंस्ट्रक्ट करने में 8 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है, जिसे पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ही फंड किया गया है। आपको बता दें कि द्वारका हिंदुइज्म के 4 धाम में से एक है। द्वारका के अलावा बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम अन्य 3 धाम हैं। वहीं बेट द्वारका वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्री द्वारकाधीश मुख्य मंदिर मौजूद है और लाखों श्रद्धालु भी यहां दर्शन करने आते हैं। साथ ही बेट द्वारका आइलैंड गुजरात के कोस्ट पर मौजूद 2nd लार्जेस्ट आइलैंड है। अभी तक बेट द्वारका आइलैंड पहुंचने के लिए लोग बोट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब व्हीकल्स भी इस ब्रिज की मदद से यहां पर